थैंक यू। इस पीपीटी की जो नवीन जिलों का गठन और संभागों का गठन हुआ है, इसकी कॉपी आपको इस पत्रकार वार्ता के बाद उपलब्ध करा दी जाएगी। और अब मेरा सादर निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके उत्प्रेरण आपके संबोधन हेतु, माननीय मुख्यमंत्री महोदय कृपया संबोधन प्रदान करें। हमारे राजस्व मंत्री रामराज जाटव, मंत्रिमंडल के तमाम मेरे साथी, चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा जी और तमाम अधिकारीगण, मेरे प्यारे पत्रकार बंधुओं, जिस दिन का इंतजार था हम सबको, 19 जिले मैंने अनाउंस किए थे असेंबली के अंदर, और आप लोग पूछते थे कब इनका गठन होगा, कब प्रारंभ होगा काम। काम जैसे आपको मालूम है कि हमने ओएटी लगा दिए थे सब जिलों के अंदर, काम प्रारंभ हो गया था, और मैंने अनाउंस किया था कि 2000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है नए जिलों के गठन के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। उसके लिए जो ओएटी लगे हैं उन्होंने अपने अपने ऑफिस खोले हैं, काम शुरू किया, वहाँ पर तैयारी शुरू हो चुकी है। और क्योंकि अभी मेरे पूर्व में उषा शर्मा जी ने रामराज जाट साहब ने आपको बताया, आप तो खुद अनुभवी हैं क्योंकि लंबे समय से पत्रकारिता में आप लोग समर्पित हैं, फीडबैक जनता का आपको मिलता रहता है। मेरा मानना है कि जितना प्रशासनिक दृष्टि से जिला की इकाई अगर बहुत बड़ी आबादी की बन जाती है, तो नहीं चाहते हुए भी जैसे अनुभव बताया उषा शर्मा जी ने, वो एक बात है, पर कलेक्टर नहीं चाहते हुए भी जो जिला मुख्यालय होता है उनकी भी समस्या इतनी बड़ी होती है। रोज कानून व्यवस्था की बात करें या डेलीगेशन मिलने आ रहे हैं, कौन कुछ समस्या कमेटी की मीटिंग होती रहती है, तो अधिकांश जगह पर कलेक्टर लोग जितना दौरे करने चाहिए तहसील स्तर पर एसडीओ स्तर पर वो कर नहीं पाते हैं। कई बार प्रोग्राम निकल जाता है और प्रायोरिटी बदल जाती है कलेक्टर की, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमने कर ली तो वो प्रोग्राम कैंसिल हो गए। तो और राजस्थान की भौगोलिक स्थिति आप सबको मालूम है कि बहुत कैसी बनी हुई है, यूपी की तरह हमारे यहाँ ऐसा नहीं एक गांव खत्म हुआ नहीं दूसरा गांव शुरू हो गया, ये राजस्थान नहीं है। राजस्थान एक गांव के बाद में 5 किलोमीटर भी 10 किलोमीटर भी, और बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर में तो 15-15, 20-20 किलोमीटर भी 25 किलोमीटर भी लगते हैं। और तो जिला मुख्यालय पर आने पर कई गाँव ऐसे जिलों में तो 200-200 किलोमीटर आना पड़ता है उनको। किसे कहते हैं, पूरा दिन खराब होता है, नाइट होल्ड करो, खर्चा होता है गाँव वालों का, क्योंकि आप जानते हैं कि जो है जमीन संबंधी मामले कई होते हैं, दीवानी मामले चलते रहते हैं, और जिला अधिकारी रहते हैं, डीलर रहते हैं हर विभाग के जिले के अंदर। तो प्रयास किया गया कि हम शुरुआत करें 19 जिले से। हमारी सोच रहेगी जब हम कह रहे हैं कि 2030 जो हमारा विजन है, मिशन विजन विजन, जिसके लिए मैं आप सबसे आमंत्रित करता हूँ, सुझा प्रदेशवासियों से भी, तमाम इंटेलेक्चुअल है, तमाम अनुभवी रिटायर्ड लोग हैं, जो भी हैं जो सुझाव देना चाहते हैं कि हम 2030 का विजन लेके चलें, उसमें जनता का सपना क्या है राजस्थान के बारे में। और जब मैं बात करता हूँ तो मैं सोचता हूँ और मैं देखता हूँ कि राज्यों के अंदर जिले हैं, वहाँ भी जिले कोई आप समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मध्य प्रदेश की आबादी लगभग बराबर है, वहाँ 7 करोड़ 27 लाख की आबादी है और 53 जिले वहाँ पर है, 15-20 किलोमीटर पर जिला शुरू होता है, नया जिला शुरू होता है, इंदौर से निकला आप तो जाओ आगे आगे ये स्थिति बनती जाती। छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ की आबादी है, 2 करोड़ 56 लाख की, 33 जिले हैं जो हमारे 33 जिले राजस्थान में,
आप समझ सकते हैं कि हमारे इस फैसले का वेलकम क्यों हुआ। इसलिए हुआ, लोगों ने देखा कि अब हमारे ज़्यादा दूरी जाना नहीं पड़ेगा और जो काम होंगे जिला मुख्यालय से भी उसमें हमें आराम मिलेगा। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि ये फैसला जो है, ये फैसला जो किया गया और उसी सोच के साथ में हम लोगों ने तय किया है कि प्लानिंग होती है।